मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस बार जो वीडियो के लिए जो कमेंट आया था, रिक्वेस्ट आया था कि सर टूल बॉक्स टॉक पे मुझे एक वीडियो बना के दीजिए, तो जिन्होंने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी कमेंट आप करेंगे उस पर मैं वीडियो बना के दूंगा। इस बार का जो टॉपिक है वो है TBT, ठीक है। तो TBT का जो फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे देते हैं, कब कब किया जाता है, इस बार ये पूरे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। TBT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक जो आया वो कहां से आया, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि टूल बॉक्स टॉक जो एक ट्रेनिंग दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है ऑन द जॉब, एक है ऑफ द जॉब, एक है ऑन द जॉब, एक है ऑफ द जॉब। तो जो ऑन द जॉब मतलब जब हम जॉब पे रहते हैं वो होता है ऑन द जॉब, और ऑफ द जॉब जब हम जॉब पे नहीं रहते हैं वो होता है ऑफ द जॉब। तो टूल बॉक्स ट्रेनिंग है वो ऑन द जॉब 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में डिवाइड किया गया है। 8 भागों में जब ट्रेनिंग डिवाइड किया गया है तो उसके एक भाग का नाम है टूल बॉक्स टॉक। उसके एक भाग का नाम है टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक नाम इसका पड़ा कैसे? तो जैसे कि एक टूल्स होते हैं अलग अलग स्पिनर उसमें रखा जाता है, एक टूल बॉक्स में अलग अलग टूल्स रखे जाते हैं, उसी तरह एक वर्क एक्टिविटी काम करने के लिए, एक एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग स्किल के लोग उस पूरे टीम में रहते हैं, और जब उसको ट्रेनिंग किया जाता है उसको बताया जाता है, इसीलिए उसका नाम टूल बॉक्स टॉक रखा गया। टूल बॉक्स टॉक कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो मान लीजिए कि कोई एक एक्टिविटी स्टार्ट करना है, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करना है, तो उस एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए क्या पूरा प्रोसेस है, उस एक्टिविटी में कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं, कौन कौन सा टूल्स टैकल्स, कौन कौन से, सबसे बड़ी बात है उसमें हमारा हैजार्ड क्या आता है, हैजार्ड्स क्या आते हैं, उन हैजार्डों को ध्यान में रखते हुए वो पूरे एक्टिविटी में जो हैजार्ड्स आते हैं वो हैजार्ड को ध्यान में रखते हुए उन हैजार्ड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है वो हमें उनको डिस्क्राइब करना होता है कि ये हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी में क्या हैजार्ड आएगा, हैजार्ड का क्या कंट्रोल करना है, ये पूरा हम जब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विद इन शॉर्ट टाइम में करते हैं उसे बोला जाता है टूलबॉक्स टॉक। उसे बोला जाता है टूलबॉक्स टॉक की ये एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, ये इस एक्टिविटी में इस तरह के खतरे हैं, इन खतरों को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सर टूलबॉक्स टॉक करेगा कौन और कब कब टूलबॉक्स टॉक किया जाता है? तो टूलबॉक्स टॉक करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है वो जो उस काम को बेस्ट तरीके से जानता है, एलोबरेट कर सकता है, जैसे कि इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, ठीक है, कोई भी आदमी, सेफ्टी पर्सनल जो उस काम को बेस्ट तरीके से जानता है उस काम को वो टूलबॉक्स टॉक देगा, ठीक है, टूलबॉक्स टॉक देगा। अब क्वेश्चन आता है कि कब किया जाता है टूलबॉक्स टॉक, टीबीटी कब किया जाता है, कब? तो टीबीटी करने के लिए कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले, कोई भी जॉब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो उस समय टूलबॉक्स टॉक किया जाता है स्टार्ट, ठीक है, कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम टूलबॉक्स टॉक देते हैं, या कोई नियर मिस एक्सीडेंट,
कोई भी अगर नियर मिस एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद हम फिर टूल बॉक्स टॉक उनको देते हैं कि भाई ये इस काम इस जगह पे ये काम चल रहा था, उस एक्टिविटी इस एक्टिविटी में ये घटना घटा, उसको ऐसे फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है कोई भी नया प्रोसीजर नया टेक्नोलॉजी आ जाए, न्यू प्रोसीजर नया टेक्नोलॉजी, कोई भी नया टेक्नोलॉजी नया प्रोसीजर, जैसे मान लीजिए कोई नया मशीनरी आ गया तो उसके बारे में तो कोई जानता नहीं है, तो उस समय उस मशीनरी का जो भी इंजीनियर रहेगा वो आएगा आपको ट्रेनिंग देगा, तो उसके बारे में सबको अवेयरनेस करना जरूरी है। ठीक है, कोई भी आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, कोई भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो उस समय हम फिर नया टूल बॉक्स स्टॉक देते हैं, किसी दूसरे वर्क पे जाने के बाद हम फिर टूल बॉक्स स्टॉक देते हैं, ये सिनेरियो होता है टूल बॉक्स स्टॉक देने का। इसके बाद एक आता है मास टूल बॉक्स स्टॉक, ठीक है, मास टूल बॉक्स स्टॉक। ये मास टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, तो टूल बॉक्स स्टॉक इंडिविजुअल जो रहता है इंडिविजुअल ग्रुप वाइज होता है, कि जो एक एक एक्टिविटी जब करते हैं तो उस समय हम इंडिविजुअल ग्रुप वाइज टूल बॉक्स स्टॉक करते हैं, और मास टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, सारे ग्रुप वाले लोग जितने ऑल ग्रुप जो उसमें आएगा वहां पे इकट्ठा एक जगह इकट्ठा होगा और एक पार्टिकुलर टॉपिक पे, चाहे मान लीजिए कोई नया प्रोसीजर आ गया या कहीं किसी दूसरे जगह कोई एक्सीडेंट हुआ हो उसके बारे में सबको हमें बताना हो एलोबरेट करना हो तो वहां पे सब एक जगह इकट्ठा किया जाता है और सबको वो जो बताया जाता है उसे बोला जाता है मास टूल बॉक्स टॉक। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि मास टूल बॉक्स टॉक क्या है और टूल बॉक्स टॉक क्या है। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि टूल बॉक्स टॉक एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हैजार्ड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये डेली रिमाइंडर होता है जब आप डेली काम करने जाते हैं। कई लोग पूछते हैं सर काम तो एक ही है क्यों डेली टूल बॉक्स टॉक करने का, तो हो सकता है कि रात में आप करके गए हैं, सुबह आते हैं सिनेरियो चेंज हो गया हो सकता है कुछ टूल स्टैकर्स में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी जा गई हो, तो फिर आपको उस समय टूल बॉक्स टॉक करना है। हो सकता है कि कल आप कोई हो सकता मेंबर उसमें ना हो, आज नया जुड़ा हो, तो इसलिए डेली टूल बॉक्स स्टॉक करना होता है। और उसमें एक और काम आता है, जब हम टूल बॉक्स स्टॉक करते हैं तो उसमें अटेंडेंस शीट भरा जाता है कि टूल बॉक्स स्टॉक में ये प्रेजेंट था, जब इनकेस एनी इमरजेंसी कुछ इमरजेंसी होता है तो हेड काउंटिंग के लिए आपको जरूरी पड़ता है। तो हेड काउंटिंग कैसे होगा, जो टूल बॉक्स स्टॉक पेपर था उसके थ्रू हम हेड काउंटिंग करते हैं, तो इसीलिए टूल बॉक्स स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको पसंद आया हो, अगर मेरा जानकारी आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।